आप पंगास मछली का कल्चर के लिए, या फिर अगर आप IMC का स्पॉन डालते हैं, कार्प मछलियों का स्पॉन आपको तालाब में स्टॉक करना है, तो फर्स्ट ब्रीडिंग का स्पॉन डालने का सबसे उचित समय है मार्च महीना। अगर आप बड़े साइज का 300 लाइन का 200 लाइन, हम बात करते हैं क्यों महत्वपूर्ण है यह मार्च महीना पंगास के लिए। पंगास में जब आप पंगास का पालन करते हैं, पंगास का 100 लाइन का सीड अगर आप मार्च महीने में अपने तालाब में डाल लेते हैं, अभी तक जो फरवरी में नहीं डाले हैं उनके लिए अगर आप मार्च में भी डाल लेते हैं कम से कम 100 लाइन का बच्चा, तो साल भर में आप दो कल्चर निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आप फीड का क्वालिटी क्या देते हैं। अगर आपका फीड कमर्शियल फीड, जो उत्तम गुणवत्ता वाली फीड है, इसको डालेंगे 1.2 FCR आनी चाहिए। कंपनियां तो बहुत सारी बोलती हैं कि 1.2 आता है, लेकिन 1.56 तक आपको आता है, जिससे आपको लाभ नहीं मिलता है। तो लाइक करेंगे, चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे।